हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीआर किचन। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही तीखी चटपटी रेसिपी। यह है ग्रीन चटनी की रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियोस पे कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम ग्रीन चटनी के इंग्रेडिएंट। सबसे पहले बताते हैं, ये लिया है मैंने अ बंच ऑफ कोरिएंडर लीव्स। ये धनिया पत्ती का जो गुच्छा एक लिया है पूरा मैंने, और इसको ये देखिए मैंने पूरे इन डंडियों के साथ लिया है। सिर्फ इसकी जड़ें काट के निकाल के बाहर की हैं और इन्हें मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इनको मैंने ऐसे ही लेना है। ये चटनी के जो ये डंडियां हैं उसमें बहुत टेस्टी लगेंगी, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है और चटनी भी इससे गाढ़ी बनती है। तो ये पूरा हमें इन डंठल के साथ ही लेना है। तो ये मैंने लिया है एक गुच्छा धनिया की पत्ती। इसके अलावा ये लिया है मैंने पुदीने के पत्ते। इसको मैंने पत्ते पत्ते निकाल लिए हैं। इसकी डंडियां मैंने नहीं ली हैं, थोड़ी बहुत हैं छोटी, लेकिन वैसे नहीं है। तो ये हुआ धनिया की पत्ती, पुदीना के पत्ते। इसके अलावा ये मैंने लिया है 3 चम्मच के करीब है ये बूंदी। ये नॉर्मल बूंदी है, रायते वाली बूंदी, उसी बूंदी को मैंने लिया हुआ है। और इसको मैं इसमें 2 चम्मच पानी डाल दे रही हूँ जिससे ये सोख हो जाए और अच्छे से पेस्ट बने जब हम चटनी बनाए। तो ये मैंने 3 चम्मच करीब ले ली है बूंदी। ये लिया है मैंने भुना चना। ये भुना चना है, ये देखिए, ये आपको मार्केट में मिल जाता है। तो ये भुना चना है, 1 चम्मच मैंने भुना चना लिया हुआ है, 3 चम्मच मैंने बूंदी ली हुई है। ये है सॉल्ट, नमक टेस्ट के लिए। इसके अलावा मैंने ये 5 हरी मिर्च ली है तीखी वाली, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये 1/2 इंच के करीब मैंने ये अदरक ले लिए, इसको पील कर लिया है वॉश करके। 1 लेमन लिया है जिसे मैंने कट कर लिया है, जिसे मैं स्क्वीज करूंगी, स्क्वीजर रखा है। ये मैंने 4 लहसुन की कलियां ली हैं। आपको नहीं पसंद है लहसुन, आप नहीं डालना चाहते तो ये स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें पहले मुझे मिक्सी जार में डालना है। तो मैं ये सारी चीजें डालने के बाद उसमें 1 लेमन स्क्वीज कर दूंगी और फिर इसका पेस्ट बनाती हूँ। तो मैं आपको ये सारी चीजें मैंने मिक्सर जार में डाल दी है, उसमें नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। अब फाइनली मैं इसमें लेमन जूस स्क्वीज करने वाली हूँ। तो जो मैंने 1 लेमन लिया था उसको स्क्वीज कर दूंगी इसी में। अब इसको मैं पीस लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये चटनी हमारी रेडी है। इसको मुझे पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ा। मैंने इसी स्पून से 4 चम्मच केवल पानी डाला है। आपको भी जैसे जरूरत हो आप उसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं, पर हमें बहुत पतली नहीं रखनी है। और इसे मैं बोल में निकाल के अब दिखाती हूँ। ये देखिए टेस्टी चटनी। इसे वैसे सैंडविच वाली चटनी बोलते हैं, सैंडविच के लिए बनाते हैं ऐसी चटनी, पर आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये उतनी ही टेस्टी होती है, यम्मी और बहुत तीखी चटपटी चटनी। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।